अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जुनैद और आप देख रहे हैं YouTube चैनल देवास बकरा मंडी। तो जैसा कि भाई बकरा ईदों का सीजन चल रहा है और सभी तरफ से भाई बकरों का वीडियो आपको देखने को मिलता है, माशाल्लाह एक से एक शौक करते हैं सभी जगह। और जैसा कि अभी हम इंदौर में हैं, बात करते हैं फरजान भाई से और हमारे साथ फरहान भाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो फरजान भाई, इस वक्त हम कहाँ पर है भाई? खजराना में, जमजम चौराहे पर। जमजम चौराहे खजराना में है, माशाल्लाह। तो भाई आज की वीडियो में आपका जो शौक है ये फोर सेल के लिए है जी। ये मेरा भाई फरहान भाई का बकरा है भाई, भाई? ये अपने घर पे पल रहा था बकरा जी? तो ये भाई ने फोर सेल के लिए निकाला भाई। ठीक है, माशाल्लाह काफी अच्छा बकरा है भाई। फरहान भाई क्या डिटेल्स पर है भाई? ये 43 की हाइट आएगी इसकी जी? और 125 से 130 किलो बॉडी वेट आएगा बकरे का। 125 से 130 किलो बॉडी वेट है जी। फरहान भाई ये बॉडी वेट आपका क्या हुआ है? जी भाई वजन करा हुआ है, और कोई व्यूअर आपका वजन करके मांगेगा तो अपन उसकी भी वीडियो डाल देंगे भाई जी। माशाल्लाह, तो भाई कब से अपने पास ये बकरा है? भाई ये 6 महीने हो गए इस बकरे को अपने पास जी। जी भाई, और ये मतलब 90 किलो पे आया था अपने पास जी। भाई जब से 90 किलो पे आया, जब से आपको भाई क्या लगा कि आपको ये बकरा बनेगा? भाई हमारे भाई ने शौक में खरीदा था, बाकी थोड़ा इनके काम की वजह से इन्होंने अपने घर पे छोड़ा, तो भाई फिर उस हिसाब से बकरे में तैयारी करी। तो माशाल्लाह बकरे ने अच्छा वेट गेन किया, 125 से 130 किलो बॉडी वेट पे बकरा आ चुका भाई। जैसे आप ये बकरे का कलर देख रहे हैं, माशाल्लाह हाइट देख रहे हैं, बकरे का चेहरा देख रहे हैं, चेहरा भी गुलाबी पन पे। माशाल्लाह बकरा बहुत बनने वाली चीज है, और एक साल और पलटी हो सकता है ये बकरा जी। फरहान भाई जैसे कि कोई भाई लेता है कुर्बानी के लिए या कोई पलटी के लिए लेता है, तो आप क्या एक्सेप्ट करते हैं, कहाँ तक ये वजन ले सकता है भाई? ये कम से कम 170-180 किलो बकरा जाना चाहिए जी। माशाल्लाह, थोड़ा फरहान भाई थोड़ा बकरे का फेस दिखाएं। देखिए काफी खूबसूरत बकरा है भाई गुजरी में। छोड़ दे भाई थोड़ा बकरे को, ये देखे आप। माशाल्लाह भाई काफी खूबसूरत है बकरा। फरजान भाई काफी अच्छी मेहनत है आपकी और फरहान भाई की जी। जैसा कि बकरा आपके सामने है वो खुद बता रहा है भाई काफी बढ़िया बकरा है जी। कलर में तो जैसा आपने बताया कि भाई कलर, अच्छा कलर का तो माशाल्लाह बादशाह है बकरा। गुजरी कलर में ये कलर कम आता है जी। माशाल्लाह बकरे की भाई क्वालिटी भी ऐसा है कि खाने में भी बकरा माशाल्लाह बहुत आगे है जी। बस ये कि डाइट चार्ट आदमी उसके हिसाब से सेट करेगा, रूटीन सेट करेगा बकरे का, तो बकरा माशाल्लाह और तैयार होगा ये इंशाल्लाह। और कोई कुर्बानी के लिए लिया तो भाई इस साल कुर्बानी भी हो सकता है बकरा जी। फरहान भाई मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे कि हर कोई भाई बकरा भर नहीं सकता जी, तो कोई भाई का अगर सौदा हो जाता है जी और वो यहाँ रखना चाहता है बकरा ईद के पहले पहले 10 से 12 दिन पहले ले जाना चाहता है, तो वो हो सकता है अपने पास जी? भाई वो फैसिलिटी अपन अवेलेबल कर देंगे और इंशाल्लाह उसके कोई चार्जेस नहीं लेंगे अगर अपना सौदा होता है तो जी। देखिये भाई काफी अच्छी जो सोच है भाई की, भाई जो भाई कुर्बानी के लिए लेता है और वो बकरा यहाँ पर रहेगा तो उसका कोई चार्जेस नहीं लेंगे भाई। ट्रांसपोर्टिंग का कैसा क्या रहेगा भाई? ट्रांसपोर्ट भी इंशाल्लाह ऑल ओवर इंडिया करवा देंगे जहाँ का भी होगा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का खर्चा पार्टी का रहेगा अगर। हाँ, आप दोनों जो भी पार्टी लेती जी, है जी, जिसको समझ लें आप जी, दोनों जो भी हमारी ट्यूनिंग में बात होगी भाई उस हिसाब से अपन उस चीज पे भी पार्टी से डायरेक्ट चर्चा कर लेंगे अगर अपना सौदा जमेगा उस चीज में। फरहान भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बकरे का पैसा ऐसा मांगे के सामने वाला ले सके जी, ताकि जी बस वो पूछ के ना चले जाए, वीडियो में पूछने आए और बकरे का पैसा पूछकर वो चले जाए जी। जी जुनैद भाई इंशाल्लाह मतलब अपना ये ऐसा काम नहीं है कि बकरे के कुछ भी पैसे मांग ले, अपन जो जायज पैसे वही मांगेंगे इंशाल्लाह। और अपन जा तक अपनी कोशिश है कि बकरे का इंशाल्लाह जिससे भी हुआ एक बार में अपन सौदा कर भी लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। फरहान भाई कब से शौक कर रहे हैं आप? भाई मुझे 5 साल हो गए इस शौक में जी। माशाल्लाह काफी अच्छे बकरे आप जैसा कि तैयार करते हैं, और ये बकरा आपके देखभाल में था भाई जब से आया? जी भाई, और ये अपने भाई सलमान भाई जयपुर वाले हैं जी भाई, उनसे ही बकरा परचेस किया था ये फरहान भाई ने जी। माशाल्लाह भाई जैसा कि आपने बताया उस टाइम बकरा क्या वजन बताया था आपने? भाई 90 किलो पे आया था। 90 किलो पर आया था, अंडूली आया होगा भाई? जी भाई अंडूल आया था, इसको अपन ने पंच करवाया, बकरा अब खस्सी पे है।
माशाल्लाह भाई काफी अच्छा भाई, उसका चेहरे का रुआब मासूमियत देख सकते हैं। कोई भाई को भाई इंटरेस्ट रहता है तो नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, आप बात करें भाई। और जो भी भाई आपसे कहना है, किसी भाई को अगर जमता है तो भाई पैसा आप भी ऐसा लगाएं कि भाई उसकी जो बकरे का मेहनत है और उसकी जो खिलाई है वो सामने वाले को मिल जाए, और आपका भी सौदा सामने वाले से ऐसा हो जाए कि ज्यादा आपको भी देख फेंका फाकी ना हो। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखें, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। देवास बकरा मंडी।